नमस्कार, स्पीड न्यूज में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। चलिए शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। एनुअल एनसीसी पीएम रैली में 24 देशों के कैडेट्स, पीएम मोदी ने ली सलामी, बोले गणतंत्र दिवस पर दुनिया को दिखाया हमारी बेटियां हर क्षेत्र में आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं अक्सर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बात करता हूं, ये दोनों अभियान युवाओं के लिए हैं। ये अभियान युवाओं को रोजगार के लिए नए अवसर दे रहे हैं। सरकार के प्रयासों से भारत की डिजिटल इकोनॉमी हमारी युवा शक्ति की नई ताकत बनेगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा, बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश मीडिया और सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की शिरकत, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी रहे मौजूद। महाराष्ट्र में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन पीएम मोदी ने किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की शिरकत, वासुदेव देवनानी भी रहे मौजूद। बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, ना नीतीश कुमार ने कोई इस्तीफा दिया है और ना ही किसी ने कोई समर्थन वापस लिया। भाजपा ये जानना चाहती है कि बिहार की स्थिति क्या है, जब पार्टी ये जानेगी तभी तो कोई फैसला लेगी। कांग्रेस की लोकसभा चुनाव की तैयारियां, 31 जनवरी से कांग्रेस कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम, प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली करेंगे प्रदेश का दौरा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, गलत आचरण करने वाले शिक्षकों को दी चेतावनी, कहा कुत्सित मानसिकता वाले शिक्षक होंगे बर्खास्त, प्रॉपर्टी पर चलेगा बुलडोजर। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज, भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए कई राज्यों में नियुक्त किए प्रदेश चुनाव प्रभारी, सह चुनाव प्रभारियों की भी की नियुक्तियां। बिहार में सियासी उठापटक, 28 जनवरी को सुबह 10 बजे इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार, कल शाम को ही होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। अहमदाबाद में T20 डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया उद्घाटन, अहमदाबाद नगर निगम की ओर से हुआ आयोजन, इस मौके पर सीएम भूपेंद्र पटेल ने क्रिकेट भी खेला। कांग्रेस का एक नया अध्याय, डोनेट फॉर NYAY, डोनेट फॉर देश के बाद कांग्रेस की नई शुरुआत, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में क्षमता के अनुसार योगदान देने की अपील, कांग्रेस नेता अजय माकन और जयराम रमेश सहित अन्य ने की प्रेस वार्ता। पूर्व स्पीकर हरिशंकर भाभड़ा को दी गई श्रद्धांजलि, जयपुर के अणु विभाग केंद्र में हुई थी की बैठक, राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सांसद बोहरा भी रहे मौजूद। बिहार की राजनीतिक स्थिति पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, कहा इसके बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, जब तक कुछ स्पष्ट सामने नहीं आता तब तक टिप्पणी करना सही नहीं है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का जोधपुर दौरा, रावण का चबूतरा में हस्तशिल्प मेले का अवलोकन किया, उद्यमियों से भी किया संवाद। भजनलाल सरकार ने दी सौगात, जयपुर के बिंदायका में बीसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना के द्वितीय फेज का शिलान्यास किया, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और कन्हैयालाल चौधरी रहे मौजूद। बिहार की राजनीतिक स्थिति पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का बयान, कहा हमारा नेतृत्व सामूहिक और सक्षम नेतृत्व है, राष्ट्रीय हित में ही निर्णय लेते हैं, भाजपा का हर कार्यकर्ता एक सैनिक के रूप में कमांडर के आदेश को मानता है। बिहार में वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर बोले सांसद संजय राउत, कहा बिहार में जो चल रहा है मुझे लगता है वो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, एक तरफ आप रामराज्य की बात करते हो, दूसरी तरफ आप बिहार में नीतीश कुमार को साथ लेकर जाना चाहते हो, असली पलटूराम भाजपा के लोग हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, लिखा कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है, यह सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन खत्म, सरकार ने मनोज जरांगे को अध्यादेश का ड्राफ्ट भेजा, जरांगे बोले हमारी मांगे मानी गई। सरस डेयरी पर मिलेगा अलवर का मशहूर कलाकंद, वन मंत्री संजय शर्मा ने किया सरस का कलाकंद लॉन्च, आधा और एक किलो में उपलब्ध होगी पैकिंग। बलौदी में लॉरेंस और रोहित गैंग से जुड़े लोगों के 13 ठिकानों पर रेड, पुलिस ने 7 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया, 2 वाहन भी जब्त किए। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में ट्रैक्टर ट्रॉली और कैंपर गाड़ी में भिड़ंत हादसे में 3 युवकों की मौत, पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारी में जुटी बीजेपी, बीजेपी की मीडिया और सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला हुई संपन्न,
कार्यशाला में लोकसभा चुनाव को लेकर कई विषयों पर हुई चर्चा। जोधपुर देहात उत्तर जिला से जिला मीडिया एवं सोशल मीडिया प्रभारी सुनील कुमार बुरड़ सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। सांगानेर में जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा पहुंचे वाटिका। भाजपा के वरिष्ठ नेता मदन सिंह का स्वर्गवास होने पर परिजनों को सांत्वना दी। स्वर्गीय मदन सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, विधायक अमीन कागजी और सत्यनारायण भुंडा ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। सरदार शहर के गांधी चौक में विकास मंच का आमरण अनशन जारी है। महिला शक्ति के साथ धरना स्थल पर पहुंची प्रधान निर्मला राजपुरोहित। अनशनकारी राजेंद्र राजपुरोहित की मांगों का समर्थन किया। भ्रष्ट कर्मचारी को हटाने की मांग को लेकर दिया जा रहा है धरना। रियाबड़ी के सरकारी स्कूल का वार्षिक उत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह। प्राध्यापक रामचरण ने किया मंच संचालन। मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू रही कार्यक्रम की मुख्य अतिथि। प्रधानाचार्य छोटा राम इनानिया ने सभी भामाशाह ग्रामीण जनों का आभार व्यक्त किया। उदयपुर के झाड़ोल उपखंड मुख्यालय पर चार दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भाजपा युवा मोर्चा और शिव मित्र मंडल के संयुक्त तत्वाधान में हुई आयोजित आजाद मैदान में आगाज हुआ। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी, जिला प्रमुख ममता कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रतापगढ़ के केशवराय मंदिर में अनूठा आयोजन। मंदिर में पहली बार गौ अन्नकूट का हुआ आयोजन। सोडाणी परिवार की ओर से किए गए गौ अन्नकूट में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आमजन में गौ सेवा की भावना जागृत करने के लिए गौ अन्नकूट का विशेष आयोजन किया गया। घाटोल के पोछिया पाड़ा गांव में 2 से 3 साल के बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। खेतों में काम कर रहे किसानों को पानी में तैरता मिला शव। किसानों ने शव को कैनाल से बाहर निकाला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय सरपंच। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने पर करने पर आमजन से की शव की शिनाख्त में मदद करने की अपील। टोंक के सांसद आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की वर्कशॉप का आयोजन। गांव चलो अभियान और शक्ति वंदन अभियान की तैयारियों को लेकर हुई वर्कशॉप। वर्कशॉप में भाजपा के प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा, सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया सहित कई गणमान्य रहे मौजूद। डिडवाना में सड़क सुरक्षा माह के तहत कई तरह के आयोजन। बस स्टैंड पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दी सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी। शहर के कई मार्गों से हुआ नाट्य रूपांतरण का आयोजन। यमराज की सीख नाट्य रूपांतरण के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। रियाबड़ी की ग्राम पंचायत अरनियाला में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन। शिविर में ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा संचालित 17 प्रकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी गई। पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया। रियाबड़ी के सरकारी स्कूल में 3 दिवसीय स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन। शिविर में स्कूल की 400 बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। सभी बालिकाओं का रजिस्ट्रेशन कर स्वास्थ्य चार्ट तैयार किया गया। जिन बालिकाओं में बीमारी के लक्षण पाए गए उन्हें संबंधित बीमारी की दवा का वितरण भी किया गया। ब्यावर के बालिका स्कूल में 4 दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ। शिविर में अध्ययनरत बालिकाओं के साथ साथ उनके परिजनों के भी स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की गई है। बालिकाओं के नेत्र की जांच, ब्लड ग्रुप, फिजिकल, ब्लड प्रेशर सहित अन्य स्वास्थ्य जांच की गई है। रेवदर के जोलपुर जीएसएस पर 7 गांवों के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। समस्या का समाधान नहीं होने पर किसानों ने 10 दिन बाद फिर दिया धरना। 2 घंटे बाद भी बिजली विभाग का अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचने पर गुस्साए किसानों ने सड़क जाम कर दी। अजमेर के नसीराबाद में सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों को स्वेटर और पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। भारत विकास परिषद नसीराबाद शाखा की ओर से वितरित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता और स्वामी विवेकानंद के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। श्री विजयनगर में नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष दिव्यांशी बनी जिला युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति सदस्य। नेहरू युवा केंद्र संगठन के जिला युवा अधिकारी भूपेंद्र सिंह शेखावत ने मनोनीत किया। नागौर में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा। प्रदेश संयोजक जिला अभियान समिति मंडल अभियान के पदाधिकारी की बैठक आयोजित। भाजपा का गांव चलो अभियान को लेकर हुई बैठक। अभियान के तहत भाजपा गांव गांव जाकर करेगी संपर्क। बारा के किशनगंज में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई नाका। रामगढ़ के वन खंड के केलपुरी महाराज के पास 220 टन बजरी को किया गया जब्त। वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई से खननकर्ताओं में मचा हड़कंप। झुंझुनू के सूरजगढ़ में राजकीय बालिका स्कूल में लगाया गया निःशुल्क नेत्र जांच शिविर। त्रिनेत्र संस्था की ओर से बालिका स्कूल में लगाया गया शिविर। काला मोतियाबिंद जागरूकता अभियान के तहत लगाया गया शिविर। मुंडवा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर। वीर तेजा महिला शिक्षण संस्थान के
वार्षिकोत्सव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी सहित पुलिस अधिकारियों ने हेलीपैड का जायजा लिया। घाटोल के सोमपुर गांव में मकान में आग लगने से झुलसी 9 माह की मासूम की मौके पर ही हुई मौत। 2 अन्य बच्चों ने बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकलकर बचाई अपनी जान। आगजनी में घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। पीसांगन के बालिका विद्यालय का वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह। बालिकाओं ने मनमोहक नृत्यों की प्रस्तुतियां दी। प्रधानाचार्य मीना आसवानी ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अतिथियों का साफा और माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। अतिथियों ने बालिकाओं का उत्साहवर्धन किया। छिपाबड़ौद में खनन माफिया के हौसले बुलंद है। क्षेत्रीय वन अधिकारी हेमंत कुमार की ताबड़तोड़ कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मचा है। सारथल नाके पर चलते ट्रैक्टर को छोड़ भागे खनन माफिया। पुलिस की सहायता से क्षेत्रीय वन अधिकारी ने ट्रैक्टर जब्त कर वन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। सांगानेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वाटिका में प्रधान भंवर कंवर ने झंडारोहण किया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। प्रधान भंवर कंवर ने संविधान की जानकारी दी। प्रधानाचार्य शारिका सिंघल, सीताराम यादव, रामरतन शर्मा, विष्णु पहाड़िया मौजूद रहे। किशनगंज में लकड़ाई गांव के सरकारी स्कूल में गणतंत्र दिवस पर सरस्वती तस्वीर को लेकर विवाद हुआ है। गांव के कुछ लोगों ने सरस्वती की तस्वीर रखकर पूजा करने का शिक्षिका पर दबाव बनाया। शिक्षिका और गांव वालों में हुई तीखी बहस। सरपंच ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। आबूरोड में इंस्टाग्राम पर सिर धड़ से अलग करने की धमकी देने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आक्रोशित हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद और सर्व समाज के लोग शहर कोतवाली पहुंचे। मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कोटा की महावीर नगर थाना पुलिस ने शातिर आरोपी कमलेश पहाड़िया को गिरफ्तार किया है। आरोपी कमलेश लंबे अरसे से फरार चल रहा था। आरोपी कमलेश अनंतपुरा थाने का है, हार्डकोर हिस्ट्री शीटर। आरोपी पर शहर के कई थानों में करीब 39 मामले दर्ज हैं। बारा जिला रोहिताश्व सिंह ने पीएचसी और सरस डेयरी प्लांट का निरीक्षण किया। डेयरी कर्मचारियों ने प्लांट परिसर के बारे में पूरी जानकारी देते हुए अवगत कराया है। कलेक्टर ने आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का संयोजक बनने के बाद 3 दिवसीय यात्रा पर जोधपुर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र चौधरी। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। संयोजक महेंद्र चौधरी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से लेकर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। कोटा की उद्योग नगर थाना पुलिस ने 5,000 के नामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे अरसे से हथियार तस्करी के प्रकरण में चल रहा था फरार। आरोपी के ऊपर करीब 6 मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को बोरखेड़ा थाना पुलिस को सौंपा। टोंक जिला कलेक्टर सौम्या झा ने किया शहर का दौरा। कलेक्टर सौम्या झा ने शहर के सोरण में स्थित नगर परिषद के कचरा डंपिंग यार्ड का निरीक्षण किया। कचरा रिसाइकिल करने के लिए किए गए टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद भी ठेका फर्म द्वारा कार्य शुरू नहीं होने को लेकर नाराजगी जताई। बारा में पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कांग्रेस कार्यालय में की प्रेस वार्ता। भाया ने भाजपा नेताओं पर द्वेषतापूर्वक थाने में झूठे मुकदमे दर्ज करवाने का आरोप लगाया है। भाया बोले, हमें कानून और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा। पूर्व विधायक पानाचंद मेघवाल, जिलाध्यक्ष रामचरण मीना और प्रदेश सचिव हंसराज मीना मौजूद रहे। धौलपुर में अवैध हथियार को साफ करते समय अचानक गोली चल गई। पास में सो रही महिला के पैर में गोली लग गई। घटना के बाद महिला को लहूलुहान हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के लिए पर्चा बयान। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। चढ़ावा उपखंड प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। अवैध खनन के लिए लाए गए विस्फोटक सामग्री, पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई है। एक खनन माफिया भी गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के बाद अवैध रूप से खनन करने वालों में हड़कंप मचा। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में विवाहिता के साथ हुए गैंगरेप के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी से पुलिस घटना में शामिल अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। बदमाशों ने 23 नवंबर को सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। कोटा यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह, पानाहेड़ा समेत स्थानीय युवा कांग्रेसियों को बेरोजगारों का डाटाबेस तैयार करने का टास्क मिला है। लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा बेरोजगार सम्मेलन करने की तैयारी में कांग्रेस है। धौलपुर के बाड़ी में दुकानदार और उसके बेटे से मारपीट कर लूट का मामला। बदमाशों ने लाठी डंडों से मारपीट कर कट्टे की नोक पर जबरदस्ती छीनी बाइक। पीड़ितों ने कोतवाली थाने में दर्ज कराया मामला। घटना को लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी। झुंझुनू में लोकसभा प्रभारी डॉक्टर खानू खां बुधवाली ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ली बैठक। जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा की अध्यक्षता में बैठक हुई है। डॉक्टर खानू खां बुधवाली ने कहा कि झुंझुनू में इस बार कांग्रेस का लोकसभा प्रत्याशी जीतेगा चुनाव।
चौमुखी सामो थाना पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने 4 साल से फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार किया है। फरार वारंटी विनोद कुमार मीणा निवासी मोरिजा को गिरफ्तार किया गया है। अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए गए आरोपी आकाश मीणा को भी गिरफ्तार किया गया है। जयपुर के बिंदायका में पहुंचे श्रीराम जनमंडल के महंत स्वामी गोपालदास महाराज। अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले से जयपुर पधारने पर स्वागत उनका किया गया है। ग्रामवासियों ने मोतियों की माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। मौके पर आदेश्याम मांगीलाल सहित गणमान्य मौजूद रहे। धौलपुर की बसई डांग थाना पुलिस ने अवैध चंबल बजरी परिवहन करने के मामले में पिछले 5 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। आरोपी बदमाश के खिलाफ थाने पर दर्ज मामले में अब पूछताछ कर रही है पुलिस। झालावाड़ में लोकसभा चुनाव प्रभारी पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया और लोकसभा जिला प्रभारी विधायक संजय कुमार जाटव झालावाड़ पहुंचे और कांग्रेस कार्यालय में आयोजित सभा में लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। अलवर के अकबरपुर थाना क्षेत्र सिरावास गांव में खेत में पानी की मोटर चालू करने गए किसान की मौके पर मौत हो गई। उसके बाद किसान के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं अकबरपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रामगंज मंडी के दौरे पर रहे। दिलावर ने राजकीय हीरा भाई बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिक उत्सव समारोह में शिरकत की। प्रतिभावान बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया। केशवराय पाटन के ग्राम पंचायत मुख्यालय सारसला से बिरज के बीच बनी सड़क उखड़ी है। सड़क क्षतिग्रस्त होने से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने लगाया घटिया सामग्री का आरोप है। ग्रामीणों ने कहा कि करोड़ों की सड़क बनाते समय जिम्मेदारों ने गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया। सांगानेर के प्राथमिक संस्कृत विद्यालय प्रतापनगर सेक्टर 26 में वार्षिक उत्सव। पूर्व संसदीय सचिव बगरू विधायक डॉ. कैलाश शर्मा ने शिरकत की। कहा शिक्षा ही जीवन का सफल आधार है। डॉ. कैलाश वर्मा ने की विद्यालय में मां सरस्वती का मंदिर और प्रार्थना स्थल पर डोम बनाने की घोषणा। कठुमर में अरूबा गांव के सरकारी स्कूल में मां सरस्वती की मूर्ति और स्कूल कक्षा कक्ष का लोकार्पण। विधायक रमेश खींची ने किया लोकार्पण। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच समय सिंह चौधरी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा नेता गोपेश भारद्वाज भूमिदत्त शर्मा मौजूद रहे। सामर फेस्टिवल में पहले दिन सांस्कृतिक संध्या का भव्य आयोजन हुआ। पर्यटन विभाग की ओर से सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। सांस्कृतिक संध्या में देश के ख्यातनाम स्वराग म्यूजिकल ग्रुप ने शानदार प्रस्तुतियां दी। बिंदायका के सिमार गांव स्थित लक्ष्मीपति जगदीश महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि के तर्ज पर किया गया है मंदिर का निर्माण। मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। भंडारे में हजारों महिला पुरुषों सहित ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। सांगानेर के सामुदायिक केंद्र वाटिका में तिरंगा रैली का कार्यक्रम। प्रकाश दास महाराज ने रंगारंग देशभक्ति गीतों और भजनों की प्रस्तुतियां दी। हनुमान चालीसा का पाठ और सामूहिक भारत माता की आरती का भी आयोजन किया गया। आरएसएस के जिला कार्यवाह मौजूद रहे। बस्सी के एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बिहारी पुरा तुंगा में मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह। नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रभुदयाल मीना ने झंडारोहण किया। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने स्कूली छात्रावास के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। रियाबड़ी के बजरंगगढ़ बालाजी मंदिर में राष्ट्रीय ध्वज से सजा राम जी का दरबार। श्री राम दरबार मंदिर में गणतंत्र दिवस पर मंगला आरती के दौरान भगवान राम जी को तिरंगा पोशाक पहनाई गई। मंदिर परिसर को भी तिरंगे की थीम पर सजाया गया। झालावाड़ में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया। उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर चेतीवाल के आतिथ्य में हुआ आयोजन। श्याम सुंदर चेतीवाल ने ध्वजारोहण किया। सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कुमेर कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्र में 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। ब्लॉक स्तरीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय कुमेर में आयोजित किया गया कार्यक्रम। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले 47 जनों को सम्मानित किया गया। जयपुर में युवा शक्ति सेवा संस्था ने प्रधान कार्यालय पर धूमधाम से मनाया गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता बॉडी बिल्डर प्रयास सिंह, प्रदेशाध्यक्ष खुशीराम मीना सहित संस्था के पदाधिकारी मौजूद रहे। सांगानेर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामुदायिक केंद्र वाटिका से प्रकाश दास महाराज ने तिरंगा रैली को रवाना किया। रैली गांव के मुख्य मार्ग से होती हुई भारत माँ के जयकारे लगाती हुई वापस सामुदायिक केंद्र पर पहुंची जहां समापन हुआ। मार्ग में तिरंगा रैली पर पुष्प वर्षा की गई। चौमू के बलेखन गांव से दुल्हा दुल्हन की हेलीकॉप्टर से विदाई। हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेकर कुचामन पहुंचा दुल्हा। बारात स्वागत के लिए हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए उमड़ा पूरा गांव। गुड़ागौरजी में उबली का बालाजी स्थित खीवासर स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट प्रतियोगिता का समापन। प्रतियोगिता में स्कूल छात्र छात्राओं ने कई प्रकार के प्रोजेक्ट्स की लगाई प्रदर्शनी। स्कूल निदेशक, चेयरमैन और प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स के कार्यों की सराहना की।
फलौदी के खारा गांव में सड़क हादसा, बाइक ने दो छात्राओं को मारी टक्कर। हादसे में एक बच्ची की मौत, दूसरी हुई घायल। स्कूल से वापस अपने घर जा रही थी दोनों छात्राएं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। जयपुर के बिंदायका में पुलिस ने मनाया गणतंत्र दिवस समारोह। एसआई मनोज कुमार ने किया झंडारोहण। जवानों ने तिरंगे को सलामी दी। फलौदी में जोधपुर विद्युत वितरण निगम जिला व्रत स्तर का कार्यक्रम आयोजित। जिला बनने के बाद पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन हुआ। जोधपुर डिस्कॉम के अधीक्षक अभियंता पीएस राठौड़ ने किया ध्वजारोहण। कठुमर में गणतंत्र दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रधान संगम चौधरी की अध्यक्षता में हुआ। समारोह में विधायक रमेश खींची मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पलसुंड के सरकारी स्कूल में विद्यार्थी स्वास्थ्य जांच मेले का आयोजन। 27 जनवरी से 30 जनवरी तक आयोजन है। विद्यार्थियों ने निकाली स्वास्थ्य रैली, आमजन को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। श्रीगंगानगर के लोहारा गांव के सरकारी स्कूल में छात्र के साथ मारपीट और जाति सूचक गालियां देने का मामला है। पीड़ित ने स्कूल के बाबू पर आरोप लगाया है। पीड़ित के परिजनों ने थाने में शिकायत दी है। आरोपी बाबू को हटाने की मांग की है। सामर की पुरानी धान मंडी स्थित अग्रवाल धर्मशाला में एक दिवसीय फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर की ओर से आयोजित किया गया शिविर। शिविर में शहर के अनेक व्यापारियों ने फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करवाया। स्वास्थ्य विभाग ने की चलित प्रयोगशाला में खाद्य सामग्रियों की जांच। श्रीगंगानगर के सरकारी स्कूल में छात्र छात्राओं को साइकिल का वितरण किया गया। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत मिली छात्र छात्राओं को साइकिल। भादरा के सरकारी स्कूल में हर्षोल्लास से मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह। स्कूल के खेल मैदान में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि दादूराम हुड्डा ने ध्वजारोहण करते हुए परेड की सलामी ली। रियामड़ी पंचायत समिति मुख्यालय पर झंडारोहण कार्यक्रम। रियामड़ी प्रधान उगमा देवी ने झंडारोहण किया। मेड़ता सिटी में स्कूल, कॉलेज, बार, संघ, न्यायालय परिसर में मनाया गया गणतंत्र दिवस। छात्र छात्राओं और आमजन को संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्णित मौलिक कर्तव्यों का वाचन करवाया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के अनुसार मौलिक कर्तव्यों का करवाया गया वाचन। झालावाड़ के रायपुर थाना क्षेत्र के ओसाव में भतीजे के साथ मारपीट। दीवार के विवाद को लेकर चाचा ने अपने बेटों के साथ मिलकर भतीजे के साथ मारपीट की। राजसमंद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भावा का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम। संस्था प्रधान सीमा गहलोत ने बताया कि कार्यक्रम में विधायक दीप्ति माहेश्वरी, ACBBO कमलेश त्रिपाठी सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। डूंगरपुर में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशिक्षण शिविर आयोजित। FST, SST और VST के अधिकारियों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुलराज मीना की अध्यक्षता में आयोजित हुआ प्रशिक्षण। झुंझुनू के चिड़ावा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिखा क्रिकेट का रोमांच। चिड़ावा पत्रकार और चिड़ावा प्रशासन के बीच हुए दो मैत्री मैच, 1-1 से बराबर रही सीरीज। झुंझुनू के कसेरू गांव में घर में घुसकर तोड़फोड़ करने के 4 आरोपी गिरफ्तार। मुकुंदगढ़ पुलिस ने नामजद आरोपी संदीप, आकाश सेन, कुलदीप मेघवाल, लक्की रोलन को गिरफ्तार किया है। जोधपुर के मनकामेश्वर डुंगरिया महादेव मंदिर में श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश से आई जानी मानी श्याम भजन गायिका अधिष्ठा और अनुष्का ने श्याम भक्ति से सराबोर भजनों की प्रस्तुतियां दी। देसूरी में प्रजापति समाज के चौताला अध्यक्ष मांगीलाल मोरवाल घाणेराव की अध्यक्षता में बैठक। आराध्य देवी श्री यादे माता जी के वार्षिक 2 दिवसीय मेले को लेकर बैठक हुई। सिरोही के आबू रोड में सिर धड़ से जुदा करने की पोस्ट वायरल। हिंदू संगठन और भाजपा में काफी रोष है। बाबरी ढांचे की फोटो के साथ दी गई धमकी। भाजपा के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष और हिंदू संगठन के पदाधिकारी शहर कोतवाली पहुंचे और संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। श्रीगंगानगर पुलिस की अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। भगवानगढ़ में 2 ट्रेलर अवैध सिलिका सैंड परिवहन करने पर 2,66,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। करौली में कोतवाली थाना पुलिस ने कृषि उपज मंडी में चोरी की वारदात का खुलासा किया है। चोरी करने के 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है।